come to the dark side. एपिसोड के स्टार्ट में हम क्रोकोसैन को देखते हैं, जहाँ पर क्रोकोसैन होती है वो लूफी और जोरो से कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। और क्रोकोसैन सभी लोगों को अपने साथ लेके जाती है और हम देखते हैं क्रोकोसैन एक अंडरग्राउंड रास्ते में जाती है और जहाँ पर जाके लूफी होता है वो तेज़ी से भागने लगता है और वो एक गेट देखता है, उस गेट को खोलता है और वो जैसे ही गेट को खोलता है वो देखकर बहुत ही चौंक जाता है। वहाँ पे देखता है वो एक ट्रेन को, जहाँ पर क्रोकोसैन बताती है इस ट्रेन का नाम है रॉकेट मैन, जिसका नाम सुन के लूफी और चॉपर होते हैं बहुत ही चौंक जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जो आइसब्रिज होता है वो कहता है कि मैंने इसकी मरम्मत कर दी है, तो तुम ये लोग ट्रेन लेके जा सकते हो उस ट्रेन का पीछा करने के लिए, जिसकी वजह से लूफी होता है वो बहुत ही खुश होने लगता है कि आइसब्रिज उसकी मदद कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो आइसब्रिज होता है उनको सारी बातें बताता है इस ट्रेन में क्या क्या है और यही बताता है कि ये ट्रेन सबसे पहले बनाई गई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है क्रोकोसैन होती है वो ट्रेन को चलाने वाली होती है। फिर वहाँ पे फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं और लूफी से कहते हैं कि प्लीज़ हमें भी ले चलो, क्योंकि हमें अपने बॉस फ्रैंकी को बचाना है, उनकी जान खतरे में है। ये सारी बात के वहाँ पे बोल रहा होता है और नामी होती है और जोरो होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। और जो लूफी होता है वो कह देता है कि आ जाओ चल सकते हो। फिर हम देखते हैं जो आधे लोग होते हैं फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स के वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बाकी सारे लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो हम भी आ जाएंगे। और वो लोग होते हैं वो ट्रेन से अपनी गाड़ी को अटैच करने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन होती है वो चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर होता है वो छत पे जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं जो पावली होता है वो भी ट्रेन में आके दुपक जाता है। जो पावली होता है वो भी दुपक के ट्रेन में बैठ के जाने लगता है और हम देखते हैं यहीं पे ट्रेन होती है स्टार्ट होकर चलने ट्रेन होती है बहुत तेज़ी से चलने लगती है। और जो लूफी होता है वो ट्रेन की छत पे बैठा हुआ होता है और ट्रेन उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से सब लोग चौंक जाते हैं कि एक ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ है। और हम देखते हैं जो क्रोकोसैन होती है वो हंस रही होती है और जो लूफी होता है उसके मुंह में पानी चला जाता है ट्रेन के इतने स्पीड होने की वजह से। और ट्रेन होती है वो बहुत तेज़ी से चल रही होती है, जिसकी वजह से पहले तो चॉपर होता है वो थोड़ा डर जाता है, बाद में इंजॉय करने लगता है। और हम देखते हैं जो ट्रेन होती है वो फुल स्पीड से उस टनल से बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स इस ट्रेन से जुड़ सकें। और हम देखते हैं लूफी होता है उसके ऊपर बार बार पानी आने लगता है, जिसकी वजह से क्रोकोसैन हंस रही होती है और ट्रेन की स्पीड बढ़ती ही जा रही होती है, क्योंकि इस ट्रेन में ब्रेक ही नहीं होते। और ट्रेन होती है वो तेज़ी से चलने लगती है और हम देखते हैं जो ट्रेन होती है वो टनल से बाहर पहुँचने वाली होती है, जिसकी वजह से लूफी होता है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और सिर्फ ट्रेन होती है वो अचानक से ही टनल से बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रेन होती है हवा में और जो लूफी और सभी के लोग थोड़े चौंक जाते हैं कि अब ट्रेन का क्या होगा, और लूफी बहुत ही एक्साइटेड होता है कि ट्रेन हवा में है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं ट्रेन से अपनी गाड़ी को अटैच करने के लिए, जिसके लिए वो लोग सिग्नल देते हैं और सीधे ट्रेन के पीछे कूद पड़ते हैं। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो उन लोगों को देखता है और उनसे बोलता है जल्दी से अटैच हो जाओ, जिसकी वजह से फ्रैंकी फैमिली मेंबर अपने वेपन ट्रेन में अटैच करते हैं और जो क्रोकोसैन होती है वो बस हंसती ही रहती है। फिर हम देखते हैं जोरो को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी अभी लगने वाली होती है और जोरो होता है उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है, लेकिन वो लोग जोरो की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। फिर हम देखते हैं क्रोकोसैन पटरी को देखती है और बोलती है अब रेडी, अब हमें मुझे ट्रेन को पटरी पर चढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड दुगनी चौगनी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर होती है क्रोकोसैन की पोती, वो भी ट्रेन के ऊपर चढ़ गई होती है, जिसकी वजह से क्रोकोसैन होती है वो उस पर ध्यान नहीं देती और ट्रेन को पटरी पे चढ़ाने लगती है। फिर हम देखते हैं क्रोकोसैन अपनी पोती को ढंग से देखती है और कहती है कि तू यहाँ पर कैसे आ गई, और जो उसकी पोती होती है वो अपनी दाई से हेलो कहती है और क्रोकोसैन कहती है जल्दी से ट्रेन में आओ क्योंकि ट्रेन की स्पीड दुगनी चौगनी होने वाली, जिसकी वजह से तुम उड़ जाओगी। और हम देखते हैं जो क्रोकोसैन की पोती होती है वो अचानक से ही नीचे गिर जाती है और वो पकड़ लेती है ट्रेन के हैंगल को, जिसकी वजह से जो पोती होती है क्रोकोसैन की वो उड़ते उड़ते बच जाती है। और क्रोकोसैन होती है वो धीमे करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद आता है कि इसमें ब्रेक ही नहीं है, जिसकी वजह से लूफी होता है
वो क्रोकोसैन की पोती को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसी टाइम ही ट्रेन होती है वो पटरी पर चढ़ जाती है और ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो एक निंजा ट्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से लूफी और क्रोकोसैन की पोती होती है वो उड़ जाते हैं और हम देखते हैं वो लोग सेफली फ्रैंकी फैमिली के जायंट के पास मतलब चिपक जाते हैं और उनके जाके ज़ोरदार लगते हैं और हम देखते हैं जो लूफी और क्रोकोसैन की पोती होते हैं वो बच जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ फ्रैंकी को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी सोच रहा होता है कि आइसबेज के बारे में, आइसबेज को कुछ हुआ ना हो और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो ट्रेन की छत पे पता नहीं क्या कर रहा होता है और वो बच के कैसे निकला ये तो पता ही नहीं। और हम देखते हैं जो चॉपर होता है और क्रोकोसैन की पोती और बनी और लूफी की सबकी बुरी हालत हो गई होती है ट्रेन की इतनी स्पीड देख के। और हम देखते हैं क्रोकोसैन होती है वो अभी भी हंस रही होती है। फिर हम देखते हैं जो पावली होता है उसे बहुत ही चिल्लाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जोरो होता है वो पावली के ऊपर चिल्लाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो लोग कहते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं। कर्स्टन होता है वो पावली से कहता है कि पावली आइस ब्रिज पे गोली मारने वाला कौन था, तुम्हें पता है ना, मुझे बताओ, मुझे पता है कि वो कौन है मुझे लगता है। और वो दोनों भी ऐसे करने लगते हैं और जो पावली होता है वो कहता है ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि कौन है। और वो बताता है कि वो कोई और नहीं वो लूसी काकू और खलीफा और बारका बलूनो है, जिसकी वजह से टॉल्स्टॉय और उसका मुंह फटा रह जाता है। और हम देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं जिसकी वजह से पावली कहता है तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था ये लोग कौन थे। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है, मतलब वो तो फाइट के लिए हमेशा तैयार ही रहता है। और फिर हम देखते हैं ट्रेन होती है वो अकोनो लगोनो मतलब लहर के पास पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो लोग लहर में फंसने वाले होते हैं और वो लोग उन लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी जान खतरे में है। फिर हम देखते हैं जोरो होता है उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बाहर जाके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। फिर वो लोग देखते हैं कि उनकी जो ट्रेन है वो एक लहर से टकराने वाली है, जिसकी वजह से वो लोग तैयार हो जाते हैं उस लहर को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए। वो लोग अलग अलग वेपन निकालने लगते हैं और फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स अटैक करने लगते हैं उस लहर के ऊपर उस लहर को तोड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं उस अकूनो लगूनों का टक्कर देने के लिए। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग जैसे ही फ्रैंकी और उसब के कमरे में पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि वहां से फ्रैंकी और उसब गायब हो गए और ये सारी खबर पूरे ही ट्रेन में फैल जाती है और सभी लोग फ्रैंकी और उसब को ढूंढने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर जो जस्टिक होता है वो देखता है उनके लोगों की क्या हालत कर दी। फिर हम सांजी को देखते हैं, सांजी होता है वो कॉल नामी के पास लगाता है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी और उसब होते हैं ट्रेन इतनी तेज़ होने की वजह से वो लोग हवा में बार बार उड़ रहे होते हैं और सांजी नामी से बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स पूरी लहर को तोड़ रहे होते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे होते हैं, इतने सारे अटैक करने के बावजूद उस लहर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। फिर हम देखते हैं जो लहर होती है वो उनकी ट्रेन के बिल्कुल नज़दीक आने वाली होती है और क्रोकोसैन होती है वो कहती है कि लगता है हम मरने वाले हैं, जिसकी वजह से चॉपर की फट के हाथ में आ गई होती है। फिर हम देखते हैं क्रोकोसैन की पोती को भी ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और साथ ही साथ उसका बनी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं नामी होती है वो उन लोगों के चिल्लाती है और कहती है कि हमारे पास दो मॉन्स्टर हैं तो रोकने के लिए, मतलब वो लूफी और जोरो की बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं जो नामी होती है वो फिर से सांजी से बात करने लगती है और दूसरी तरफ हम जोरो और लूफी को देखते हैं वो लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और जोरो होता है वो उस लहर का सामना करने के लिए तैयार होता है और लूफी भी लहर का सामना करने के लिए तैयार होता है और फ्रैंकी फैमिली मेम्बर समझ नहीं पा रहे होते कि ये लोग करने के हवाले हैं। और जोरो होता है वो अपनी तीनों स्वॉर्ड को यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है और लूफी होता है वो अपना गम गम अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग करते हैं सीधे उस लहर के ऊपर अपना खतरनाक मूव, जिसकी वजह से जो लहरें होती हैं उस घर अजीब सा कुछ होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सर्कल सा बन जाता है मतलब रास्ता बन जाता है जिसके अंदर सीधे पटरी जा रही होती हैं और वो लोग वहाँ से तेज़ी से
अंदर जाने लगते हैं और वो पूरे रास्ते को पार करने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी के लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं कि ये ज़ोरो लूफी आखिर हैं क्या। और ट्रेन होती है उस सर्कल से बाहर निकल आती है, मतलब उस गोले से बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से जो चॉपर होता है और जो क्रोकोसैन की पोती होती है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि उनकी जान बच गई। और जो लूफी और ज़ोरो होते हैं वो अपना एक्शन पोस्ट मारते हैं। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए होते हैं एस्ट्रो हैट की पावर्स देख के। फिर हम देखते हैं जो पावली होता है उसको भी पता चलता है कि एस्ट्रो हैट में कितनी ताकत है। और फिर हम क्रोकोसैन को देखते हैं, जहाँ पर क्रोकोसैन होती है वो कहती है कि लगता है हम बच गए, उस पायरेट ने हमें बचा लिया। फिर हम देखते हैं जो लूफी होता है वो नीचे उतर के आता है, जिसे देख कर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि लूफी की वजह से वो लोग बच गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सांजी होता है, वो नामी से बात कर रहा होता है और वो बताता है कि उसके साथ उसप और फ्रैंकी भी हैं, जिसकी वजह से चॉपर होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वहाँ पर उसप है। और हम देखते हैं जो लूफी होता है उसप का नाम सुन के थोड़ा उदास हो जाता है। देखते हैं जो सांजी होता है वो लूफी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ निकोरोबिन को बचाने। फिर हम देखते हैं जो लूफी होता है वो सीधे कहता है कि जाओ सांजी नामी को बचा के लाओ, जिसकी वजह से सांजी होता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी लूफी। और सांजी होता है वो लूफी से बात करने के बाद सीधे फ़ोन को कस के पकड़ता है और फ़ोन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है वो चिल्ला के कहता है कि तूने फ़ोन क्यों तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो उसप होता है वो बहुत ही उदास होता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे क्रू का कोई मेंबर नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं फ्रैंकी को सारी बात पता चलती है कि निकोरबिन ने कैसे उन लोगों को छोड़ा और ये लोग निकोरबिन को कैसे बचाने जा रहे हैं, और पूरी स्टोरी सुन के एकदम बच्चे की तरह रोने लगता है। फिर बोलता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, और कहता है कि बड़ी ही इमोशनल कहानी थी कि निकोरबिन ने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारी जान बचाने के लिए। और उस सबसे कहता है कि तू मदद क्यों नहीं कर सकता, वो कितनी अच्छी दोस्त है तू जानता भी है। और जो उस सब होता है वो बहुत ही उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो स्वॉर्डमैन जस्टिक होता है वो अपने सिपाहियों का पट्टी कर रहा होता है क्योंकि सांजी ने उसकी बहुत ही बुजहत कर दी। और फिर हम देखते हैं उन्हीं मरीन में से एक मरीन आदमी होता है वो ट्रेन के ऊपर देखता है, और वो देखता है वहाँ पर होते हैं सांजी और फ्रैंकी, जिसे देख के वो गवर्नमेंट को बताने वाला होता है, लेकिन उसके ऊपर अचानक से ही अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग देखते हैं वहाँ पर कोई है, वो कोई और नहीं वो उसप होता है। उसप होता है वो अजीब सा भेस बना के आता है और कहता है कि मैं सोगे किंग हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझसे उसप ने कहा, और उसप मेरा बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त है, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हम देखते हैं फ्रैंकी और सांजी दोनों ही उसे पहचान जाते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि उनका क्या प्लान होगा निकोरबिन को बचाने के लिए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स और कुछ लोग बहुत ही चौंक जाते हैं कुछ देख कर, वो लोग आप लोग देख कर ही पता चलेगा ना। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अलग ही दृश्य होता है। नामी होती है वो सभी लड़कों के सामने अपने सारे कपड़े बदल लेती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और उनकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं जब पावली होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि बेशर्म लड़की तो दिखाई नहीं देता, हम यहाँ पर हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली की लड़कियाँ होती हैं वो भी कपड़े बदलने वाली होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पावली होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि उसने भी तो ऐसा किया। फिर हम देखते हैं क्रोकोसैन होते हैं वो कहती है कि मैं बदल लूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं क्रोकोसैन आप मत बदलिए। फिर जो क्रोकोसैन होती है कि वो कहती है कि तुम कितने बुरे हो। फिर हम देखते हैं नामी अपने सारे वेपन ले लेती है और जो लूफी होता है वो अपने खाने को अपनी जेब में भर लेता है, और जो नामी होती है वो अपने वेपन को अपग्रेड कर लेती है उस सब की वजह से पहले। और हम देखते हैं ये सारी बातें वो लूफी को बता रही होती है। फिर हम देखते हैं वो लोग उस सब के बारे में याद करके बहुत उदास होने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़ोरो उनके ऊपर चिल्लाता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी और सांजी उसप होते हैं वो लोग अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसप होता है वो अंदर घुसने लगता है और फ्रैंकी भी घुसने लगता है, और सांजी होता है वो दूसरे गेट पे जाता है और कुछ करता है, जिसकी वजह से
सभी लोग एक डिब्बे में आने लगते हैं और वो लोग उस डिब्बे को पैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जस्टिक भी उसी डिब्बे में आ चुका होता है और वो सब उनके जाल में फंस गए होते हैं, मतलब फ्रैंकी सांजी उस सब के जाल में फंस गए होते हैं। और जो जस्टिक होता है वो अपनी तलवार से गेट को खोलने की कोशिश करता है और पूरे गेट को उड़ा देता है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं और उनका रास्ता और उनका डिब्बा हमारे फ्रैंकी उसप होते हैं और सांजी होते हैं वो डब्बे को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। और हम देखते हैं जो सांजी होता है वो उन लोगों से बाय करता है और कहता है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, और ये सारी बातें फ्रैंकी और उसब भी कह रहे होते हैं और सभी गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। और भी गवर्नमेंट के लोग आ रहे होते हैं जिसकी वजह से सांजी होते हैं और अंदर घुसते हुए और गवर्नमेंट के लोगों को धुल रहा होता है और फ्रैंकी और उसब भी धुल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को निकोरोविन के पास जाना होता है। हम देखते हैं कुछ गवर्नमेंट के लोग फ्रैंकी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फ्रैंकी को कुछ भी नहीं होता, कोई भी गोली का असर नहीं होता, जिसके वजह से फ्रैंकी होता है वो एक चीज़ को उठा के उनके ऊपर फेंक देता है। और जो उसब होता है वो फ्रैंकी को चेक करने के लिए उसके पिछवाड़े में सुई घुसेड़ देता है और फ्रैंकी होता है और चिल्लाता है और कहता है कि तू क्या कर रहा है, मेरे पीठ में और मेरे पीछे का हिस्सा इंसान ही है और मेरे बहुत दर्द होता है। और वो कहता है कि ये देखो यहाँ पर है मेटल जिसके वजह से मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी उसब होते हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग एक ऐसे डिब्बे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक सैप होता है जो खाने को बर्बाद कर रहा होता है, खाने को मुंह से खाता है और नाक से निकाल के खाना बनाता है। और जो उसब होता है वो कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, और सांजी भी कह रहा होता है कि तू खाने की बर्बादी कर रहा है, जिसकी वजह से सांजी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सैफ होता है वो उसके अटैक को डॉच कर देता है। फिर हम देखते हैं जो सैफ होता है अचानक से चकराने लगता है और कहता है कि तेरी आईब्रो कुछ अजीब सी है, वो मतलब सांजी से कह रहा होता है। और हम देखते हैं जो सैफ होता है वो सांजी के ऊपर अटैक करता है मुँह में कुछ खा के, फिर हम देखते हैं सांजी होता है वो उसके अटैक से डॉच कर लेता है, जिसकी वजह से वो सैप होता है वो कहता है कि बढ़िया तुम अच्छे से फाइट करते हो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी और उसब दोनों ही वहाँ से निकल आते हैं निकोरोविन के पास जाने के लिए। फिर हम देखते हैं जो उसब होता है वो अपने ऑक्टोपस सूज का यूज़ करने की सोचता है। फिर हम देखते हैं जो सांजी होता है वो सैफ से लड़ने लगता है और जो सैफ होता है वो भी लड़ने लगता है, लेकिन सांजी उस सैफ की बहुत ही बुरी हालत कर देता है और सैफ होता है वो हार नहीं मान रहा होता और कहता है कि तू अपनी आईब्रो हटा ले, सांजी से कहता है। और सांजी होता है वो कहता है कि तुझे मेरी आईब्रो से क्या मतलब। फिर हम देखते हैं वो सैफ होता है वो बहुत सारा आटा खाता है और नाक से अजीब से लूडन निकालता है, जिसकी वजह से वो अपना एक खतरनाक कवच टाइप बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसब होता है वो आगे निकल जाता है और फ्रैंकी पीछे रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई आ जाता है जिससे फ्रैंकी को फाइट करनी पड़ती है और वो बिल्ली जैसा दिख रहा होता है और वो 4 पावर को कंट्रोल कर सकता है, जबकि CP9 के सभी मेंबर 6 पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है उसको बिल्ली वाले को बहुत मारता है और वो बिल्ली वाला भी फ्रैंकी के ऊपर बहुत हावी होने लगता है और फ्रैंकी होता है वो कहता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सांजी और सैफ की लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर सांजी होता है उसको मारता है लेकिन सांजी का पैर उसके कवच में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो सैफ होता है वो सांजी को नीचे गिरा देता है और जैसे ही फिर से उठाता है और उसको ज़मीन पे मारने के लिए जा रहा होता है और सांजी की तरफ देखता है, जिसकी वजह से उसे अचानक से कुछ होने लगता है, वो उसकी आईब्रो पर देख कर उसे चक्कर से आने लगते हैं, जिसकी वजह से सांजी होता है वो कहता है कि तुझे क्या हुआ। और जो सैफ होता है वो कहता है कि तेरी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। और वो सांजी को सीधे ज़मीन पर पटक देता है और कहता है कि तेरी सजा यही है कि तू यहीं पर मर जा। और हम देखते हैं वो सैफ होता है वो बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगता है और सांजी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। और सांजी होता है वो वापस उठता है और देखता है किचन में और वो देखता है 2 छुरी मतलब नाइफ़ को देखता है और कहता है कि नाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वैसे मैं नाइफ़ का यूज़ नहीं करता फाइट में, लेकिन तू एक सैफ है तो मैं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर फ्रैंकी और वो बिल्ली जैसा लड़का उसे लड़ रहा होता है और हम देखते हैं जो उसब होता है वो अपने
ऑक्टोपस सूज पहन के निकोरोबिन के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और निकोरोबिन को आवाज़ मारता है कि निकोरोबिन निकोरोबिन, और जो निकोरोबिन होती है वो सबको देख लेती है जिसकी वजह से वो बहुत ही चौंक जाती है। फिर हम दूसरी तरफ फ्रैंकी और उस बिल्ली वाले लड़के को देखते हैं। वो फ्रैंकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा होता है क्योंकि वो हवा में भी उड़ पा रहा होता है, जिसकी वजह से जो फ्रैंकी होता है वो बार बार डेंजर मोड में बच जाता है। और हम देखते हैं उस बिल्ली वाले को फ्रैंकी की कमज़ोरी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं सांजी होता है, वो उस सैफ के सभी कवच को टुकड़े टुकड़े में बांट कर रख देता है। और सैफ होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं, वो सोच रहा होता है कि वो भी कट गया, लेकिन जो सैफ होता है वो बच जाता है। और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है उसके ऊपर बिल्ली वाला अटैक करता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी की हालत ख़राब हो जाती है और फ्रैंकी का कमज़ोर हिस्सा उस बिल्ली वाले को पता चल गया होता है, जिसकी वजह से वो बिल्ली वाला होता है जो फ्रैंकी की हालत ख़राब कर रहा होता है, जिसके वजह से फ्रैंकी होता है उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो वहीं पर लेट जाता है। फिर हम देखते हैं उसप होता है, वो निकोरोबिन से बात कर रहा होता है और कहता है कि चलो साथ में वापस चलते हैं लूफी के पास, और मुझे उसप ने कहा है कि तुम्हें स्ट्रोहेड के पास छोड़ना है क्योंकि मैं उसप को बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मेरा नाम है सोगे किंग, और इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा स्ट्रोहेड के पास। और ये सारी बातें वो निकोरोबिन से कह रहा होता है, जबकि निकोरोबिन को भी पता होता है कि ये उसप है। और हम देखते हैं उसप होता है वो कहता है कि चलो तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि जो लूफी है वो हार तो मानेगा नहीं, उसे सब कुछ पता चल गया है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। ये सुनकर निकोरोबिन बहुत ही चौंक जाती है और कहती है कि मैं नहीं जा सकती, वरना CP9 के मेंबर लूफी को मार देंगे। ये सारी बातें वो कह रही होती है, और जो उसप होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो लूफी है वो हार मान लेगा। फिर हम देखते हैं उन्हें अचानक से गेट पर कोई लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कलुआ इंसान, मतलब वही कलुआ इंसान आता है और निकोरोबिन के पास आता है, और उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो देखता है निकोरोबिन को और वो गौर से देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे पायरेट की सुगंध आ रही है। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो ट्रेन पे अभी भी लेटा हुआ होता है, जहाँ पे वो कैटमैन होता है वो कहता है कि तू उठेगा नहीं। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो अचानक से ही उठता है और कहता है कि अब देखो मेरा एक अलग फॉर्म, और वो बनता है एक अजीब सी ही चीज़। फिर हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो अटैक करने के लिए जाता है, और दूसरी तरफ नामी बाहर की तरफ देख रही होती है कि आगे कोई मुसीबत तो नहीं है। फिर हम देखते हैं ज़ोरो होता है, उसकी लड़ाई हो गई होती है किसी से। फिर हम देखते हैं जो ट्रेन होती है वो बहुत तेज़ से जाने लगती है, और फिर वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स के कुछ लोग देखते हैं कि उनकी ट्रेन की पटरी के सामने एक और डिब्बा है, जिसकी वजह से वो लोग उस डिब्बे को देखने लगते हैं, और जो लूफी होता है वो सीधे ट्रेन पे चढ़ के दूसरे डिब्बे में घुस जाता है और देखने लगता है कि इस डिब्बे में सांजी है या निकोरोबिन, और वो उन लोगों को ढूंढने लगता है और पूरी शिप को छानने लगता है, और वहाँ पर सभी लोगों को पीट पाट के बोलता है कि सांजी यहाँ पर आया था। फिर हम देखते हैं वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जिसको लूफी होता है वो धुल के रख देता है, और यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर सांजी नहीं है, जिसकी वजह से ज़ोरो होता है वो तैयार हो जाता है उस ट्रेन को काटने के लिए, जिसकी वजह से वो लोग चौंक जाते हैं कि ज़ोरो क्या करने वाला है। और ज़ोरो होता है वो ट्रेन के आगे आता है और अपनी तीनों स्वॉर्ड को निकालता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन के अजीबोगरीब टुकड़े करके रख देता है, और जो लूफी होता है वो ट्रेन से पहले ही निकल आता है। और हम देखते हैं पूरे ट्रेन के डिब्बे होते हैं वो वहाँ पर कट जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के लोग होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग कुछ पानी में गिर गए होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ट्रेन पे वापस चढ़ते हैं, और हम देखते हैं फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे पास एक असली मॉन्स्टर है जिसकी वजह से हमें कोई ख़तरा नहीं है। फिर हम देखते हैं ये सारी बातें वो ज़ोरों से कह रहे होते हैं, और ज़ोरों होता है वो उसे कुछ अजीब सा और लगता है, जिसकी वजह से वो आगे देखता है एक और सीकिंग को, एक सीकिंग को देखता है जिसकी वजह से वो उसको भी काट के रख देता है, और कहते हैं फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि ये मॉन्स्टर नहीं, मॉन्स्टर का बादशाह है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़ोरो को देख के उन लोगों की फटके हाथ में आ गई होती है कि इतना ख़तरनाक इंसान आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, और ज़ोरो को कुछ और अजीब सा फील होता है, और ज़ोरो किसी और चीज़ को भी देखता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए गुड बाय।